जादुई पंखों वाली खाट। अपर्णा और गोविंद रामपल्ली गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी थे। उनकी बेटी का नाम चांदनी था। अपर्णा दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी। दोनों चांदनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन चांदनी एक पेड़ के नीचे अपनी गेंद से खेल रही थी, तभी उसकी सहेली सुधा वहां आती है। चांदनी, तुम अकेले खेल रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नहीं सुधा, तुम्हारी माँ जब भी हम दोनों को साथ खेलते देखती है, मेरी माँ पर चिल्लाती है, कहती कि मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देती और तुम्हें बिगाड़ रही हूँ, इसलिए तुम रहने ही दो। वो सोचती है मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं चांदनी, मेरी मम्मी शहर गई है, शाम तक ही आएगी, हम कुछ देर खेल सकते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो खेलते हैं। मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं खेलना। ठीक है, तो स्कूल आना, वहाँ बात करेंगे। मैं तो स्कूल आना चाहती हूँ, लेकिन हम गरीब हैं, फीस नहीं दे सकते, इसलिए स्कूल भी नहीं आ पाऊंगी। उसी समय अपर्णा उस पेड़ के पास आती है और चांदनी की बातें सुन लेती है। ये सुनकर बहुत दुखी होती है। चांदनी बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, घर चली जाओ। ठीक है मम्मी। वहां से अपर्णा अपने काम पर चली जाती है। सुधा और चांदनी दोनों बातें करती रहती हैं और चांदनी के घर की ओर चल देती हैं। वहां वे दोनों मिलकर बॉल से खेलती हैं। तभी दूर से चांदनी सुधा की माँ सूर्यकांता को अपनी ओर आते देखती है और वो सुधा को उसकी माँ के आने के बारे में बताती है। अपनी माँ के आने की बात सुनकर सुधा तुरंत वहां से उल्टे पैर घर भागी। ये देखकर चांदनी हंस पड़ी। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, गोविंद जो कुली का काम करता था, नदी के किनारे चलना शुरू कर देता है और अपने घर लौटने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे पेड़ के नीचे एक खाट दिखाई दी। वो उस खाट के करीब गया। ये क्या है, यहाँ इस खाट को किसने छोड़ा? ये तो एक अच्छी खासी खाट है, कहीं से टूटी भी नहीं, अच्छा होगा इसे मैं अपने घर ले जाऊं। फिर वो खाट को ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है और घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने पर उसने चांदनी को घर के सामने बैठे देखा। उसे देखकर, क्या तुम्हारी माँ काम से वापस आ गई बेटा? नहीं पापा, उसने एक नए घर में काम करना शुरू किया है। उसने मुझसे कहा कि उसे आज घर वापस आने में देर हो जाएगी। उसने हमारे लिए चावल पका दिए और कहा आप जब आए तो चटनी से खा ले। ठीक है बेटा। इतना कहकर वो खाट लेकर घर के अंदर चला गया। तब चांदनी ने पूछा, ये किसकी खाट है पापा? ये हमारी है, अपने लिए लाया हूँ। इतना कहकर वो घर में खाट बिछा देता है। चांदनी और गोविंद दोनों उस खाट पर बैठ जाते हैं। वो बैठने में बहुत आरामदायक थी और उसमें से सुगंध भी आ रही थी। ये खाट न केवल मुलायम है, सुगंध भी आ रही है। हाँ बेटा। जब खाट नरम लगी और मीठी सुगंध दी तो चांदनी उस पर उछलने लगी। ये देखकर गोविंद बड़ा खुश हुआ, लेकिन बोला, कूदना बंद करो, टूट जाएगी ये खाट। चांदनी ने तुरंत कूदना बंद कर दिया और वो दोनों आपस में बात करने लगे। इसी बीच अपर्णा काम से वापस आ गई, खाट को देखा। गोविंद ने बताया उसे कैसे मिली। हम नहीं जानती किसकी खाट है और इसे वहां किसने छोड़ा, आपको इसे वहीं छोड़कर आ जाना चाहिए। घर क्यों लाए? मैंने सब जगह तलाश किया, कोई मिला ही नहीं। ये किसी की होती तो वो या तो कुएं के पास रखता है, अपने खेतों में डालता, पेड़ के नीचे क्यों छोड़ेगा कोई भला अपनी खाट को, सोचो जरा। क्यों, छाया के नीचे भी तो लोग इसे रख सकते हैं, ये स्वर्ग से तो नहीं गिरी है ना, किसी की तो होगी ही। अच्छा अच्छा, कल सुबह दे दूंगा, बस आओ और खाना खा लो। फिर तीनों खाना खाकर खाट पर आ गए। अपर्णा, कल सुबह मुझे सुबह जल्दी जगा देना, 4 बजे पटेलों के खेतों में जाना है और पौधों में पानी डालना है, क्योंकि सुंदर नहीं आएगा। ठीक है, जरूर जगा दूंगी। जैसे ही ताजा हवा आने लगी, तीनों की गहरी नींद लग गई। उनको बहुत आरामदायक और अच्छा लग रहा था। तभी अचानक वो खाट चमकने लगी और अगले कुछ ही मिनटों में उसमें पंख लग गए और वो इधर उधर झूलने लगी। खाट धीरे धीरे ऊपर को उठ गई। काफी समय बाद वो फिर नीचे आई, लेकिन चमकती ही रही। घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। अचानक खाट बोलने लगी, गोविंद उठो, सुबह के 4 बज रहे हैं, तुम्हें पटेल के बगीचों में जाना है और पौधों में पानी देना है। गोविंद की नींद खुल गई और खाट को चमकते देख वो डर गया। गोविंद ने देखा कि अपर्णा तो
गहरी नींद में सो रही है। मुझे किसने जगाया? ये सोचकर वो उठा और पटेल के खेत की ओर चल दिया। वहां उसने मोटर चालू कर पौधों को पानी देना शुरू किया। उधर घर पर अपर्णा जाग गई। उसने आंगन की सफाई की और खाना बनाया। तब तक गोविंद घर लौट आया। हम अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजते? भेजना चाहिए ना? उसकी उम्र के सभी बच्चे पहले से ही अपना बैग लेकर स्कूल जाने लगे हैं। हमारी बेटी दुखी होती है, मैंने उसे कई बार रोते देखा है। हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, मैंने जो घरों में काम किया उससे कुछ पैसे बचे हैं वो देती हूँ, तुम उसका स्कूल में दाखिला करा देना, ठीक है ना? तब दोनों अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला कराने का फैसला करते हैं। अपर्णा उसे फीस के लिए पैसे देती है। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगते हैं। हमेशा की तरह अपर्णा अपने काम पर चली गई और गोविंद खेतों में। चांदनी अब पढ़ने लगी थी। उस दिन रात का खाना खाने के बाद तीनों उस खाट पर सो गए। उस रात बारिश शुरू हो गई। पहले तो बस बूंदाबांदी ही हुई, पर बाद में भारी बारिश होने लगी और तूफान में बदल गई। इस समय तीनों अपनी नींद से जाग गए और देखा कि पानी उनके घर में आ गया और उनका सारा सामान पानी में तैर रहा है। ये देखकर वे लोग बड़े डर गए। पानी का स्तर बढ़ने से खाट भी पानी में डूब रही थी। देखो, खाट पानी में तैरने लगी है, हम भी पानी में डूब सकते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना, बस खाट को जोर से पकड़ लो और हम भी खाट के साथ साथ तैरते हुए चलते जाएंगे। याद रखना, किसी भी कीमत पर खाट ना छूटने पाए। हिम्मत रखो, हिम्मत। तीनों खाट को जोर से पकड़ लेते हैं। खाट पानी में डूबने लगती है। तीनों डर के मारे घबराने लगते हैं और तभी अचानक खाट चमकने लगती है और उसे फिर से पंख लग जाते हैं। खाट पानी से ऊपर उठने लगती है। ये देखकर तीनों चौंक जाते हैं कि इसी बीच खाट उनको अपने साथ उठाकर एक गुफा में ले जाती है। वहां खाट से तेज रोशनी निकलने लगती है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, खाट कहती है। तुम्हारे कारण मैं श्राप से बाहर निकल पाई, तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। यहां तुमको कोई परेशानी नहीं होगी और तुम लोग सुरक्षित रहोगे। कोई भी तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। यहां पेट भरने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और बहुत सारे फल हैं। यहां आराम से रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जादुई पंखों वाली खाट की आवाज सुनकर वे बिना किसी डर के खुशी से रहने लगे। फिर बारिश रुकने पर खाट उन तीनों को वापस घर ले गई। वहां उनका पुराना घर नए घर में बदल चुका था और उन्हें खाना बनाने के लिए नए बर्तन भी मिल गए थे। उस दिन के बाद से तीनों जादुई खाट की अच्छे से देखभाल करते हैं, क्योंकि उसने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो वो चाहते थे। एक गरीब परिवार में पति नाना जी, माँ अपर्णा और बेटी जैत्रा रहते थे। वे सड़कों पर सर्कस करके पैसा कमाते थे और उसी से अपनी बेटी की देखभाल करते थे। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी बेटी को भी साथ क्यों ले जाते हैं? जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमें कोई नहीं देखता, लेकिन अगर जैत्रा कर्तव्य करती है तो लोग आते हैं और हमें कुछ पैसा मिलता है और इसी से तो हमारी जिंदगी चल रही है। किसी न किसी तरह कड़ी मेहनत करके हम अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे। पहले कुछ पैसा तो कमा ले, तभी हम अपनी बच्ची की पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो वो पढ़ेगी कैसे? अपर्णा समझ गई कि उसकी बातों का नाना जी पर कोई असर नहीं होगा, इसीलिए चुप हो गई और जैत्रा के पास गई जो स्लेट पर कुछ लिख रही थी। चलो चले, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें एक और हफ्ते के लिए हमारे साथ चलना होगा। तब तक नाना जी वहां आ जाता है। देखो बेटा, हालांकि सरकार ने फ्री सीट दी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मुझे किताबें, पेंसिल और बाकी चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कहां से लाऊंगा मैं पैसा अगर हम उन कामों को नहीं करेंगे जो हम अच्छी तरह जानते हैं? तभी तो लोग हमें पैसा देंगे। दुखी होकर जैत्रा अपने चेहरे को पोंछते हुए उठी और अंदर जाकर दो केले लेकर आई और उन्हें पेड़ से बंधे बंदर के पास ले गई। बंदर ने देखा जैत्रा का चेहरा उदास है, उसने जैत्रा को दिलासा दिया। मेरी बात सुनो, सब्र करो, मुझे पता है तुम जरूर पढ़ लोगी।
मैंने सुन लिया, लेकिन पहले तुम ये फल खाओ वरना देर हो जाएगी, हमें जाना भी है। उसने बंदर को खाना खिलाया और बंदर को अपने हाथ में पकड़ा जैसे कि वो करतब के लिए तैयार हो। ये देखकर नाना जी हंस पड़ा। तुम मेरी प्यारी बेटी हो और अपने बाबा को बहुत अच्छी तरह समझती हो। इतना कहकर नाना जी ने सर्कस का सामान लिया और वो लोग अपने काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें सर्कस लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली क्योंकि कहीं भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। पापा आज तो कहीं भीड़ ही नहीं दिख रही, क्या करेंगे फिर? भीड़ ना दिखे तो भी एक अच्छी जगह देखेंगे और जब हम ढोल पीटना शुरू करेंगे तो कुछ लोग तो आ ही जाएंगे और करतब का मजा उठाएंगे, साथ ही कुछ पैसे भी दे दें तो अच्छा होगा। फिर एक जगह देखकर नाना जी ने डंडे लगाए और अपर्णा ढोल पीटने लगी और बांस की लंबी छड़े पकड़कर जैथरा ने अपने बाबा को देखा। बहुत भीड़ तो नहीं थी, फिर भी नाना जी ने जैथरा को रस्सी पर करतब करने के लिए कहा। वो एक लंबी बांस की छड़ी पर बंधी रस्सी पर आगे पीछे चलने लगी। हमेशा की तरह अपर्णा ढोल बजाती रही। नाना जी ने माइक लेकर लोगों को बुलाना शुरू किया। आइए देखिए कैसे एक छोटी सी लड़की जोखिम भरा काम कर रही है, लड़की के इस मुश्किल काम को सराहिए, कुछ पैसा फेंकिए और इस करतब का आनंद लीजिए। नाना जी अपनी ऊंची से ऊंची आवाज से लगातार चिल्लाने लगा। अपर्णा बिना रुके ढोल पीटती रही, लड़की रस्सी पर चलती रही और बंदर लगातार करतब करता रहा। कुछ लोग रस्सी पर उसके करतब को देखने के बाद सिक्के फेंकने लगे। देर शाम नाना जी ने सर्कस का सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी की। घर जाने के बाद अपर्णा ने खाना बनाया, उन सब ने खाया और खाकर सो गए, लेकिन जैत्रा ने अपनी किताबें ली और पढ़ने लगी। एक रात जब सभी सो रहे थे, अचानक नाना जी को खांसी होने लगी और लगातार छाती में दर्द उठा। अपर्णा और जैत्रा परेशान हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसे बुलाएं और कहां जाएं। जैत्रा सड़क पार कर किसी डॉक्टर के पास जाओ और दवा लेकर आओ। जैत्रा मुख्य सड़क तक गई तो उसे एक फर्स्ट एड सेंटर दिखा, लेकिन जब वो पास गई तो वो बंद था। उसे पता था कि डॉक्टर अंदर होगा तो उसने दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर बाहर आया और जैत्रा को दरवाजे पर खड़ा देखा। क्या तुम वो सर्कस वाली लड़की हो? फिर से तुम्हारे बाबा को खांसी उठी क्या? जब मैंने उसे ठीक से इलाज कराने के लिए कहा तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। सुन ली होती तो इतना बीमार नहीं पड़ता। हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले ये दवा जाकर अपने बाबा को दे दो, बाद में बता दूंगा। जैत्रा दवा लेकर भागी, लेकिन तब तक नाना जी की मौत हो चुकी थी। अपर्णा खुद पर काबू नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जैत्रा तुम्हारे पिता नहीं रहे। अपर्णा बहुत रो रही थी, लेकिन जैत्रा ने सिर्फ अपने बाबा को खामोशी से कुछ देर देखा और अपनी किताबें लेकर बैठ गई। पढ़ते हुए उसके आंसू किताब पर गिरने लगे। नाना जी की मौत के साथ उनके पास पैसों की कमी हो गई और क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अपर्णा, बंदर और जैत्रा तीनों ने फिर से करतब करने की सोची। वो तीनों सारा सामान लेकर निकल पड़े। एक जगह सर्कस लगाकर अपर्णा ने हमेशा की तरह ढोल बजाना शुरू कर दिया। जैत्रा रस्सी पर चलने लगी और बंदर उनके पास अलग अलग करतब करने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें पैसे देना शुरू किया। गर्मी काफी तेज थी तो तीनों एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगे। जैत्रा ने उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया।
उस दौरान मनोहर नाम का एक आदमी उस रास्ते से गुजरा। उसने जयत्रा को पढ़ते देखा और उसके पास आया। क्या तुम्हारी पढ़ाई में दिलचस्पी है? हाँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आपने हमारा सर्कस देखा है। मैं सही कह रही हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा है और तुमसे पूछने आया था कि तुम्हें पढ़ने में दिलचस्पी है। अगर है तो मैं तुम्हारे माँ बाबा से बात करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई करवाऊंगा। हमारा पेशा तो कर्तव्य करके पैसा कमाना है। हाल ही में मेरे बाबा भी चल बसे, मेरी माँ वहां बैठी आराम कर रही है। फिर जयत्रा ने अपनी माँ को जगाया जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। अपर्णा उठी और मनोहर को नमस्ते किया। मैंने देखा कि तुम्हारी बेटी बड़े ध्यान से पढ़ रही थी, ये देखकर मैं तुम्हारी बेटी के बारे में पूछने आया हूँ। हाँ सर, मेरी बेटी को पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन हम उसे पढ़ा नहीं पाए। हाल ही में उसके पिता की भी मौत हो गई। हम जो कर्तव्य करते हैं उसी से पैसा कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा और क्या करें, बड़ी मुसीबत में है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इज्जत का काम दिलाऊंगा और तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा भी। उन शब्दों को सुनकर वो बहुत खुश हुई और दोनों मनोहर के साथ होली। बाद में जयत्रा भी स्कूल में जाने लगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। इस तरह उस बच्ची का भविष्य बन गया।